लखनऊ में परिवहन विभाग की उपनगरीय बसों की हालत जर्जर है। चारबाग से संचालित होने वाले इन बसों के सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि चारबाग से 125 किलोमीटर के दायरे में उपनगरीय बसें संचालित की जाती हैं, जिसमें अधिकतर यात्री हर रोज सफर करते हैं। बसों का जायजा लिया लाइव पीडियो संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। बस स्टेशन पर जहां से उपनगरीय बसें संचालित होती हैं, जहां एक और परिवहन विभाग लगातार लंबी दूरियों पर डीलक्स लग्जरी बसें चलाने का प्रयास कर रही है, वहीं उपनगरीय बसों की हालत जर्जर हो चुकी है। इन बसों की हालत खस्ता है। इन्हीं बसों से आम यात्री नागरिक जो है वो यात्रा करता है। अब आए दिन हो रही उपनगरीय बसों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए नए MD परिवहन किस तरह का कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उनके आदेशानुसार हर बस में फायर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मेडिकल किट होनी चाहिए, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे इन बसों में फायर इंस्ट्रक्शन है तो, लेकिन ये बिल्कुल भी खोखला है और मेडिकल किट यहाँ से गायब है। अब देखने वाली बात यह है, आए दिन जो बसों में शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, यात्रियों की जान कहीं ना कहीं खतरे में रहती है, कैसे रोक लगाएंगे नए MD परिवहन। लाइव टुडे से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ।